हेलो बच्चों, मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के एंड एम एजुकेटर्स क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। वेलकम टू इन माय क्लास। जैसा कि मैं आपको चैप्टर अपन करा रहा हूं, जिसके मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन बताया था पूरा, फिर आपकी 1.1 कंप्लीट करा दी, 1.2 कंप्लीट करा दी, और 1.3 के मैंने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 7, 8, 9, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर जिसने पहले एक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट होती है उसमें जाकर वो देख सकता है, और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा वो भी आप दबा दें साइड में। और फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो जो है, चाहे आपका CBSE बोर्ड हो चाहे आपको UP बोर्ड हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक स्कूल में आजकल NCERT किताबें चल रही हैं, और मैं आपको सारा NCERT का पूरा सिलेबस कराऊंगा मेरे इस चैनल पर। सारी 7 से 8 तक की सभी मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस कराया जाएगा, तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को देखें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपनी नॉलेज को गेन करें। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमें ऐसे 3 डेसिमल नंबर बताने हैं जो हमारे कौन से हों, नॉन टर्मिनेटिंग हों। कौन से हों? नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। वो ऐसे 3 डेसिमल एक्सप्रेशन बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं हमारे। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, कितने होते हैं हमारे, जितने भी हमारे इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नंबर। कौन से? इरेशनल नंबर। जितने भी आपके इरेशनल नंबर होते हैं वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मैंने आपको बता दिया पहले की वीडियो में, जिसने नहीं देखा है तो वो एक बार देख सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो एक बार बता दूँ, टर्मिनेटिंग तो वो संख्या होती हैं जो ख़त्म हो जाए अपने आप में। मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग, जैसे टर्मिनेटिंग है हमारा, ये टर्मिनेटिंग में क्या होता है, मतलब जैसे हमने लिख दिया 8/5 लिख दिया, जब इसका डिवाइड देंगे 8 का 5 में, तो 5 को जब 8 में डिवाइड देंगे हम, 5 बन जाए 5, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बताएंगे 1.6, तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए, इसके आगे कुछ नहीं आएगा हमारा। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो ख़त्म ना हो। जैसे मान लो मैंने लिख लिया 3.143213, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग में क्या होगा आपका, कि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद संख्याएं जो होंगी आपकी वो रिपीट होती जाएंगी। ठीक है, जो पॉइंट होगा हमारा उसके बाद संख्या क्या होती है, रिपीट होती जाएंगी, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अगर हमारी संख्या रिपीट ना हो, जैसे इसमें रिपीट नहीं हो रही, देखिए 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 है, तो इसमें रिपीट नहीं हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, और नॉन रिपीटिंग मतलब संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं। अब हमारा रिपीटिंग वाला कौन सा एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 3.313131311, इसमें क्या हो रहा है, संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 3131311 क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.31 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, जो चीज़ हमारी रिपीट हो रही है उस पर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आपके समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो ख़त्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी ख़त्म ना हो, और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग क्या होगा, जिसके बाद पॉइंट के बाद संख्या रिपीट ना हो, और हमारा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग क्या होगा, जो बार बार रिपीट होता जाए। ठीक है, अब देखिए आप इसमें क्या पूछ रहा है, कि हमारे 3 ऐसे नंबर बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हों। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब मैंने आपको बता दिया है सारे इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या हमारे सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं? अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता दिया, जितने भी हमारे स्क्वायर रूट हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं हमारे, वो सभी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इस बात को आप याद रख लीजिए, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जैसे मतलब हमने लिख लिया √3, इसका स्क्वायर रूट जो आएगा पॉइंट में आएगा। ठीक है, क्या होता है √3 का स्क्वायर रूट, क्या होता है आपको 1.73205, मतलब चलता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, चलता जाएगा। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5.432116 लगा दिया आगे, ये सब हमारे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप ऐसे डेड लगा देंगे
इसका मतलब क्या होता है, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, ठीक है। इसमें आप एक एग्जांपल लिख दीजिए, 6.1314156 डेट डस लगा दीजिए, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो हमारा इसका मतलब ये समझ में आ गया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग के हमने एग्जांपल दे दिया आपको कि जो कभी ख़त्म ही ना हो, जो कभी हमारे ख़त्म ही ना हो, चलते जाएँ। जैसे मैं आपको लिख दूँ 10/3, क्या लिख दूँ मैं 10/3 लिखूँ, तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है। कैसे है, देखो 3 का जब हम 10 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 1 बचेगा पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 3 3 9, 1 उतारेगा पॉइंट लगाएगा 0 उतार लिए, 3 3 9, 1 आएगा 0 उतारेंगे, 3 3 9, तो चलता जाएगा 3.33333, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। पर नॉन टर्मिनेटिंग में ये हो गया हमारा रिपीटिंग, क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है बार बार। तो आपके समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे, 7 का पहले 5 में डिवाइड देंगे हम, 7 का 5 में क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे, 7 7 जा कितने हो गए 49 हो गए, 1 उतारा 0 उतार लिया, 7 बन जा क्या हो गए हमारे 7 हो गए, 3 उतारा 0 उतार लिया, 7 4 28, 2 उतारा, और कभी ख़त्म ही नहीं होगा ये, क्या आएगा हमारा 0.714, चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 11 का दे देंगे 9 में डिवाइड, जब हम 11 का 9 में डिवाइड देंगे तो पॉइंट लगाया 0 डाल लिया, 11 8 88, 2 बचेंगे 0 डाल लेंगे, 11 9 बचेंगे, 11 8 88, तो हमारा क्या आया, देखिए इसका आया 0.714, ठीक है, इसका आया 0.818, याद रखेंगे आप, इसका कितना आया है 0.714, रिपीट होता जा रहा है, तो हमने क्या कर लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब देखिए 0.74 है हमारा ये, और इसके बाद क्या है 9/11 है हमारा, तो 0.818 है, ठीक है। अब आप देखिए इसके बीच में हमें क्या बताने हैं, 3 इरेशनल नंबर बताने हैं। देखो 7 1 है हमारे, यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं हम, ठीक है, 7 1 और 8 1 के बीच में हमें क्या बताने हैं, इरेशनल नंबर बताने हैं, तो हम कौन कौन से लिख सकते हैं, 0.723 0.721, तो सभी 8 1 के बीच में आएंगे, इसके बीच में लाई करेंगे ये 0.734 0.756 0.767 0.768 0.769, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस 8 1 से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, 8 से शुरू नहीं होने चाहिए, 7 से शुरू हुए आप कितने भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग लिख सकते हैं, आप डिफरेंट कितने भी इन्फिनाइट होंगे, कितने होंगे इन्फिनाइट होंगे, हमें 3 लिखने हैं केवल, 3 लिखना तो बहुत आसान है, तो 7 1 से शुरू करके कितने भी लिख सकते हो, 7 1 2 4 7 1 3 6 7 1 3 5 7 1 0 8 7 1 6 9 7 1 6 4, फिर 7 2 से शुरू करके लिख सकते हो, 7 2 4 5 7 6 3 4, मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप 8 1 से छोटा, तो आपके समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, इसका डिवाइड दिया वैल्यू निकाली और इसके बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर निकल के आ जाएंगे हमारे, तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल है इरेशनल अकॉर्डिंग टू दिस देयर टाइप, बताना है कि ये इरेशनल है या रेशनल है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इरेशनल क्या होते हैं और रेशनल क्या होते हैं हमारे, ठीक है। इरेशनल होते हैं हमारे, रेशनल होते हैं जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं। अब हमारा √23 है, क्या है, √23 है, मैंने आपको बता दिया है जितने भी हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, क्या हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और उसमें भी कौन से होते हैं, नॉन निकलिंग होते हैं, क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या होते हैं हमारे, नॉन निकलिंग होते हैं, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते हैं बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन निकलिंग होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, हमारे से नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम √23 की वैल्यू निकालें तो हमारी क्या होगी, 4.795815, ठीक है, रिपीट नहीं हो, देखो अब ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, कभी हमारा ख़त्म नहीं होगा, और पॉइंट के बाद संख्याएं हमारी रिपीट भी नहीं हो रही हैं, अलग अलग है 7 9 5 8 अलग अलग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन निकलिंग होता है। जब भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन निकलिंग होता है तो वो हमेशा क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है, क्या होता है, हमेशा इरेशनल नंबर होता है, ये आप अपने माइंड में बैठा लीजिए, जब भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। पहले हमने इसको प्रूफ किया कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, उसके बाद हमने कह दिया ये इरेशनल नंबर है, तो आपके समझ में आ गया होगा, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हैं सारे क्या होते हैं, इरेशनल।
होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें ही है, क्या है √25, कितना है हमारा √25। अब देखिए √25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 से डिवाइड देंगे, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, तो हमारे दो दो के प्लेयर बन गए, 5 3 15 आ गया, क्या आ गया 15 आ गया, तो हमारा एक पूरा नंबर आ गया, क्या आ गया हमारा एक पूरा नंबर आ गया। तो जब पूरा नंबर आ गया हमारा, ना कभी चल रहा ना कभी ख़त्म, जैसे पूरा ख़त्म हो चुका है, 15 एक पूरा हमारा रियल नंबर है जो ख़त्म हो गया है, तो वो हमारा होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है हमारा टर्मिनेटिंग है, जब कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो क्या होगा हमारा रेशनल होगा, क्या होगा रेशनल नंबर होगा हमारा। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम क्यू अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। अब 15 है, 15 हम अपॉन 1 कर सकते हैं। इसमें क्या शर्त होती है रेशनल नंबर की, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, जो क्यू की वैल्यू है जीरो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्यू की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, तो हमारा क्या हो गया शर्त पूरी हो गई हमारी, तो हमारा ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया, क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.3796, देखो 0.3796। ठीक है, अब ये नंबर ख़त्म हो चुका है, ये नंबर हमारा क्या हो रहा है ख़त्म हो गया है, तो हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है, क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। ये नंबर ये कोई डिवाइड दिया है हमने किसी का, तो ये हमारा इतना आ गया है डिवाइड देके, अगर हमारा इसमें वो डैश डैश लग रहा होता है तो ये हमारा हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमारा ये क्या है टर्मिनेटिंग है, हमारा क्या है टर्मिनेटिंग है, और जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं हमारे सारे क्या होते हैं हमारे रेशनल होते हैं, क्या होते हैं रेशनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ये नेक्स्ट 7.478478, तो ये भी हमारा क्या है ख़त्म नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ख़त्म नहीं हो रहा है, ये भी हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग, क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग हो गया हमारा। ठीक है, और सारे टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं हमारे रेशनल नंबर होते हैं, क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल होते हैं, और जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो क्या होते हैं इरेशनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 1.10100, देखो ये क्या डेड डेस चल रहा है, ये हमारा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, डेड डेस चल रहा है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा है नॉन निकलिंग है, क्योंकि इसमें देखो 10 आ रहा है, 100 अलग अलग संख्या आ रही है, सारी क्या आ रही है हमारी अलग अलग संख्या आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है इरेशनल नंबर, क्या होता है हमारा इरेशनल नंबर होता है। ये आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, जितने भी टर्मिनेटिंग होते हैं इरेशनल होते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकर्निंग सब होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, याद रखिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो सारा क्या होगा इरेशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्या होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका स्क्वायर रूट हम निकाल ही ना सकें वो हमेशा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इस बात को आप बिल्कुल माइंड में बिठा लीजिए, जितने भी स्क्वायर रूट जिससे हम निकाल नहीं सकते वो हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, जो हमारे वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकर्निंग होते हैं। तो आपके समझ में आ गई अच्छे से सारी बातें, तो ये थी हमारी 1.3 आज हमारी कंप्लीट हो गई, कल हमारी चलेगी 1.4 चलेगी कल हमारी, और फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी हमारी सारी, जब हमारी सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो हम इसके एग्जाम पे लेंगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पे लें। ठीक है, उसके बाद आपको मैं एक टेस्ट भी लूँगा इसका, तो आपका बिल्कुल सीरीज से चलेगी एक एक चीज़, और आपको एक एक सवाल कराया जाएगा, तो बस पूरी वीडियो को देखें ध्यान से और अच्छे से समझें, नोट्स बनाते जाएँ अपने, और लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी क्लासें, तो आपके टेंथ अगर आपका 9th अच्छा रहा तो 10th भी बहुत अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि 9th जो 10th एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं आपके, तो इसलिए आपको 9th में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।